एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिरपुर से पूछा जाएगा, मेंस में प्रॉपर सिरपुर के बारे में ही लिखने के लिए आता है। 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर सब में आए गए। अब क्या लिखते हो ये आपके ऊपर है। मैं जितनी भी चीजें यहां सिरपुर से मिल रही है सारा इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ते चलना है। ठीक, छत्तीसगढ़ सबसे पहले सिरपुर किस जिले में है, किस नदी किनारे, महानदी किनारे, याद रखना है, बनेगा। सिरपुर जो है छत्तीसगढ़ में एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का प्लेस है, ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। मेंस में शुरू करेंगे लिखना तो ऐसे ही लिखना शुरू करना है, सबसे पहले सिरपुर जिला बताना है, नदी किनारे बताना है और यहां शुरू करना है। ऐतिहासिक, धार्मिक, रिलीजियस इंपॉर्टेंस का प्लेस है और आर्कियोलॉजिकल प्लेस भी है, पुरातात्विक महत्व का भी स्थल है, याद रहेगा। एक ऐतिहासिक कैसे है इसको समझते हैं। ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल प्लेस इसलिए है क्योंकि इसका जो संबंध रिलेशन है महाभारत काल से शुरू हो जाता है। कहां से? महाभारत काल। जब हम महाभारत का युग पढ़ेंगे भारत के इतिहास में, तो महाभारत के इतिहास में जब आप छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे या तो महाभारत में आपको याद रखना है अर्जुन को, तो सब जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? करण अर्जुन वाला नहीं है, अर्जुन को जान रहे हो ना। अर्जुन की पत्नी का नाम चित्रांगदा, क्या नाम? अर्जुन की क्या पत्नी का नाम? वो चित्रांगदा इसी सिरपुर की राजकुमारी हुआ करती थी, इसीलिए सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर हुआ करता था। सिरपुर का पुराना नाम चित्रांगदपुर। क्यों? अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा यहां की राजकुमारी थी, इसी के नाम पर इसका नाम महाभारत कालीन स्थल बताना है। और अर्जुन और चित्रांगदा के बेटे का नाम भब्रुवाहन। भब्रुवाहन क्या नाम? ये भब्रुवाहन यही रह करके अपना शासन चलाता था, अपना गवर्नेंस चलाता था, इसीलिए इसको भब्रुवाहन की राजधानी या कैपिटल कहा जाता है, बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए सिरपुर का महाभारत काल में किस नाम से वर्णन है, उल्लेख है, तो क्यों? अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा यहां की राजकुमारी हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं? छत्तीसगढ़ का संबंध देखो महाभारत काल से भी है, रामायण तो बता ही चुका हूं, समझ आ रहा है ना। अर्जुन की पत्नी के नाम पर चित्रांगदपुर, सिरपुर का पुराना नाम, ठीक है, और उसके बेटे का नाम भब्रुवाहन, क्या नाम? भब्रुवाहन की राजधानी। ठीक, चले आगे, थोड़ा और जगह चाहिए अपने को लिखने के लिए। उसके बाद महाभारत काल के बाद आपको चलना है 6th सेंचुरी, 6th to 8th सेंचुरी, 6वीं से 8वीं शताब्दी चलना है। कहाँ चलना है? मतलब आज से आज 21वां साल, 21वीं शताब्दी चल रहा है, 1400 साल पहले। समझ आ रहा है कि नहीं? कब? 6वीं से 8वीं शताब्दी में इस जगह का नाम श्रीपुर हुआ करता था। श्रीपुर किसका पुराना नाम? याद रहेगा। और ये जो श्रीपुर था ये पांडु वंश की राजधानी हुआ करती थी, पांडु वंश या पांडु डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। कौन सा वंश?
पांडव वंश के फाउंडर इंद्रबल को याद रखना है। संस्थापक कौन? इंद्रबल को याद रखना है। पांडव वंश की राजधानी सिरपुर, त्रिपुर या सिरपुर बताना है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि पांडव वंश में सिरपुर का क्या नाम, त्रिपुर, कब की बात कर रहे हैं? 6वीं से 8वीं शताब्दी। और पांडव वंश का संस्थापक इंद्रबल याद रखना है। बनेगा। इसी पांडु वंश में इंद्रबल के चार बेटे आ जाएंगे, नन्नराज, सुरबल, ईशानदेव, भवदेव। उसके बाद और भी राजा आएंगे। ये पांडु वंश के बारे में जब इतिहास से बात करूंगा तो और बताऊंगा, ठीक। अभी जो इंपॉर्टेंस है इसको सुनना है। पांडु वंश में एक राजा हो जाएंगे जिसका नाम हर्षगुप्त। क्या नाम? हर्षगुप्त। क्या नाम? पत्नी का नाम वसाटा देवी। क्या नाम? बेटे का नाम महाशिवगुप्त बालार्जुन। इसका नाम बता चुका हूं पहले भी, मिलवा चुका हूं पहले भी महाशिवगुप्त बालार्जुन से, याद आ रहा है? Yes, महाशिवगुप्त बालार्जुन याद रखना है। किसका बेटा ये? एक दिन हर्षगुप्त और वसाटा देवी बैठे हैं खा पी रात के, समझ आ रहा है कि नहीं? आपसे चर्चा हो रहा है। हर्षगुप्त बोलता है, वसाटा जी सुनती हो? बोले हाँ जी सुन रही हो। बोलो क्या हो गया? तो मेरे को एक ठो मंदिर बनवाने का मन है, ऐसा बोलता है। कौन? हर्षगुप्त। किसको? ऐसे रात में नहीं बैठे रहते जी, हस्बैंड वाइफ बैठे ऐसे, तो अपना इच्छा बताता है। एक ठो मंदिर बनवाने का मन है मेरे को, ऐसे कर। कौन बोल रहा है? किसको बता रहा है? और ये बोलने के कुछ समय बाद हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है। बेचारे की तबीयत खराब रहता है, मर गया। कौन? और पत्नी के दिमाग में दिन रात चल रहा है कि अंतिम इच्छा मेरे पति क्या है। एक ठो मंदिर बनवाया रहता जी, ऐसे करके बोल करके गया हूं, गया ना। तो वसाटा देवी अपने पति हर्षगुप्त की याद में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर बनवाएगी। कौन सा मंदिर? याद रखना। कौन बनवा रहा है? किसकी याद में? अब ये मर गया तो राजा कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में ये बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यदि ऐसा पूछा जाए कि लक्ष्मण मंदिर किनके शासन काल में बना, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन। लेकिन किन्होंने बनवाया? तो किसकी याद में? अरे अपने पति हर्षगुप्त की याद में बताना है। क्या? लाल ईंटों से बना हुआ मंदिर है ये। कौन सा? लाल ईंटों का प्रयोग किया गया उस जमाने में। लाल ईंटा कोई देखा नहीं था, उस जमाने में लाल ईंटा का प्रयोग किया गया। समझ आ रहा है ना? उस जमाने में लाल ईंटा बनाना, उससे मंदिर बनाना कोई सोचा भी नहीं रहा होगा। और वो भी ऐसा परफेक्ट ईंटा, नाप तोल के परफेक्ट साइज का। आज का ईंटा सही नहीं रहता, घर बनाओगे टेढ़ा मेढ़ा ईंटा रहता है। समझ आ रहा है? जाग देख लेना, नहीं तो सोचो उस जमाने का ईंटा कैसे रखा, कैसे बनाए होंगे उन लोग। लाल ईंटों से बना हुआ मंदिर है। किससे? लाल ईंटों से बना हुआ विष्णु भगवान का मंदिर है। कौन सा भगवान? विष्णु। मतलब कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म से संबंधित ये मंदिर आपको याद रखना। नाम लक्ष्मण मंदिर है लेकिन विष्णु भगवान का मंदिर है, लाल ईंटों से बना है। कौन सा वंश? कब की बात कर रहे हैं? राजा का क्या नाम? हर्षगुप्त। पत्नी का क्या नाम? बेटे का क्या नाम? इच्छा किसकी थी? बनवा कौन रहा है? किसके शासनकाल में?
समझ आ रहे कि नहीं? लक्ष्मण मंदिर जैसा मंदिर उस जमाने में पूरे भारत में कहीं नहीं था जिस समय बना। ताजमहल को जान रहे हो? ताजमहल को सब जान रहे हो। देखो आप लोग का क्या बोलूं, ताजमहल को सब जान रहे हो यहां जो बैठे हो गए, लक्ष्मण मंदिर को नहीं जान रहे हो आप लोग। मैं जो बोलने वाला हूं इसको नहीं जान रहे हो इसलिए बोल रहा हूं, अभी सुन लो। ताजमहल को कौन बनवाया था? शाहजहां, सबको पता है। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज की याद में बन रहा है ना? ये भी तो किसी की याद में बन रहा है क्या? बन रहा है कि नहीं? वसाटा देवी अपने पति हर्ष गुप्त की याद में बनवा रही है। छत्तीसगढ़ का ताजमहल बोलते हैं इसको। जा रहे थे कहां से जानोगे? ताजमहल भर को जा रहे हो। छत्तीसगढ़ का ताजमहल, मैं नहीं बोल रहा हूं इसको, भारत देश का सबसे बड़ा व्यक्ति जिसका नाम एडविन एराल्ड को नहीं भूलना है आज के बाद। क्या नाम? एडविन एराल्ड। ये जब देखा ना लक्ष्मण मंदिर को पागल हो गया, बोले ये जो ताजमहल से भी सुंदर है, बोला ताजमहल से भी सुंदर है ये। और इसी एडविन एराल्ड ने बोला है कि छत ये जो है, क्योंकि ये किसकी याद में बना है? वसाटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में बनवाया है, तो इसीलिए इसको ताजमहल से भी सुंदर बताया और छत्तीसगढ़ का इसको रविंद्रनाथ टैगोर आ गए छत्तीसगढ़ इसी को देखने के लिए आए थे स्पेशली। उन्होंने नहीं बोला कि आज तक मैंने इससे सुंदर मंदिर, अभी तो टूट फूट गया, जब उस जमाने में जब बना था ना तो लाल रंग, दूर से उस जमाने में लाल रंग का मंदिर कोई देखा ही नहीं था उस जमाने में। समझ आ रहा है ना? उस जमाने में इतना बेहतरीन मंदिर सोचो कैसे बनवाया होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? लाल ईंटों से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर याद रहेगा। अभी एग्जाम में पूछा है कि इसके अंदर कौन सी प्रतिमा हो, अगर विष्णु नहीं रहेगा तो नारायण दिया है, तो नारायण नहीं पढ़ाया हो सर मत बोल देना, विष्णु और नारायण एक है, ये नारायण दे दिया, विष्णु नहीं दे करके क्या दे दिया? गए हो जाग देखे हो? जाग देखे हो, लेकिन कोई फायदा है? आज के बाद जाग देखोगे तो प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का आज के बाद नहीं भूलना है, हर किसी को बताना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, और वो हिंदू धर्म से संबंधित है, याद रहेगा? याद रहेगा, नहीं भूलना है इसको। एडविन एराल्ड को इसी ने ही पहली बार बोला है, एक ये सब मेंस में लिखना है, जो आंसर राइटिंग आप करोगे उसमें एक कोई नहीं जानता इसको, बुक में नहीं मिलेगा आपको जानकारी, मैं आपको बता रही, ये आपके कॉपी को एक्स्ट्रा नंबर दिलवाया। समझ आ रहा है? चले आगे, चले आगे। महाशिवगुप्त बाल अर्जुन को नहीं भूलना है, बचपन से ही अर्जुन के जैसे धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इसका नाम बाल अर्जुन, बाल अवस्था से ही अर्जुन के जैसा तीर चलाता था। समझ आ रहा है कि नहीं? अर्जुन के जैसा निशाना एकदम नीचे देख करके मछली की आंख में लगा दिया ना, इस टाइप। समझ आ रहा है? महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन एरा ऑफ छत्तीसगढ़ ऑफ हिस्ट्री। मेंस में डायरेक्ट यह पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के काल को क्यों? चलेंगे अब ये अलग मेंस का टॉपिक है। समझ आ रहे कि नहीं? किस महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल का क्यों, तो उसको मैं इतिहास में बताऊंगा। अभी याद रखना है किसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं? बाल अर्जुन। अभी उसमें से एक पॉइंट बता रहा हूं बस, समझ आ रहा है? अभी उसमें से ये एक पॉइंट याद रखना है कि महाशिवगुप्त बाल अर्जुन का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता का काल भी कहलाता है। क्या? धार्मिक सहिष्णुता का मतलब यह है कि सभी धर्मों को बराबर इंपॉर्टेंस देना है।
किसी भी धर्म के साथ कम या ज्यादा भेदभाव नहीं करना है। समझ आ रहा है? अब देखो कैसे उसका शासन काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये धार्मिक महत्व का स्थल है। पहला हमने पढ़ लिया क्या, लक्ष्मण मंदिर कौन से धर्म से जुड़ा है? महाशिवगुप्त बालार्जुन के पहले जितने भी राजा होंगे पांडु वंश में, कौन से वंश में? सारे के सारे राजा लोग मानेंगे वैष्णव धर्म को। किसको मानेंगे? विष्णु भगवान को मानेंगे। पांडु वंश किसको मानता था? तभी तो उसकी मम्मी क्या बनवा रही है, मंदिर बनवा रही है। लेकिन महाशिवगुप्त नाम में ही क्या है, शैव धर्म को मानता था। समझ आ रहा है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थल है सिरपुर जो हिंदू प्लस बौद्ध प्लस जैन तीनों धर्म से संबंधित है, हिंदू बौद्ध और। तो हिंदू धर्म का लक्ष्मण विष्णु और शिव तो दोनों हिंदू हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं? याद रहेगा? अगर ये चाहता शिव को मार रहा है, चाहता तो मना कर देता, नहीं बनवाना है मम्मी, विष्णु भगवान शिव होना चाहिए। लेकिन शिव मंदिर को बनवा रहा है, विष्णु मंदिर को बनवा रहा है, बनवा रहा ना जी। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? लक्ष्मण मंदिर याद रहेगा? सुरंग टीला मंदिर, सिरपुर में महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा बनवाया हुआ सुरंग टीला मंदिर, गए सिरपुर? और सीढ़ी सीढ़ी वाला है नहीं, वही सुरंग टीला, उसके नीचे सुरंग था पहले। सुरंग टीला मंदिर शिव जी का मंदिर है, मतलब शिव भी बनवा रहा है, विष्णु भी बनवा रहा है, बनवा रहा है ना। सिरपुर में मिलेगा आपको बौद्ध विहार, क्या मिलेगा? सिरपुर में आपको मिलेगा आनंद प्रभु कुटीर विहार, क्या मिलेगा? सिरपुर में आपको मिलेगा तिवर देव विहार, क्या मिलेगा? सिरपुर में आपको मिलेगा गंधेश्वर महादेव मंदिर, सिरपुर में आपको मिलेगा बालेश्वर महादेव मंदिर। तब महादेव याद रखना है, सर्वेश्वर कहाँ? मालागुंडा। गंधेश्वर कहाँ? बालेश्वर कहाँ? कुलेश्वर कहाँ? राम मंदिर। धसकुड़ वाटरफॉल, नौ जगह लाइन से याद रखना है। समझ आ रहा है? सब सिरपुर में। गए हो जी जीवन में सिरपुर कभी? नहीं गए हो, चल देना है। गोवा बॉम्बे जाने के लिए पहले सिरपुर पहले जाना है। लक्ष्मण मंदिर कौन सा वंश, कौन सा राजा? हर्षगुप्त। पत्नी का क्या नाम, बेटे का क्या नाम? लक्ष्मण मंदिर का काम शुरू किसने किया, खत्म किसके शासनकाल में होगा, बनेगा? सुरंग टीला मंदिर को ही कौन बना दिया? बौद्ध विहार। जब गौतम बुद्ध जी घर छोड़ करके निकले, ठीक ठीक है ना, तो कुछ समय आकर के वो छत्तीसगढ़ में भी रहेंगे। कहाँ रहेंगे? छत्तीसगढ़ में रहेंगे। और
गौतम बुद्ध जी के द्वारा क्या बनाया जाएगा? गौतम बुद्ध जी के द्वारा यहां बौद्ध विहार बनवाया जाएगा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये सारी चीजों की जानकारी अवदान शतक याद रखना है। कौन सा? अवदान शतक। ये जो अवदान शतक है ये बौद्ध धर्म का एक धार्मिक पुस्तक है, ग्रंथ है। जैसे हमारा रामायण महाभारत भगवत गीता है ना, पुराण और ये सब रहता है मुस्लिम धर्म वाला। और ये कौन सा? अवदान शतक से जानकारी हमें ये मिलता है कि गौतम बुद्ध जी आए छत्तीसगढ़। कहाँ है? सिरपुरा है। और सिरपुरा करके बौद्ध विहार बनाया और बौद्ध धर्म का याद रहेगा। अब बौद्ध विहार से कनेक्ट करके फिर से पढ़ना है। नया चैप्टर बता रहा हूं, नया कहानी। एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, वेन सांग। नाम तो सुना ही होगा। इस व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत का आदमी नहीं जान रहा होगा। क्या नाम? वेन सांग। चीनी यात्री था ये। क्या? चीन से आया था। भारत देश के इतिहास में आपको पूछा जाएगा कि वेन सांग किस रास्ते से आया और किस रास्ते से भारत से वापस लौटा। समझ आ रहा है? वेन सांग जब चीन में था तो वो बौद्ध धर्म को जब पढ़ा जाना बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। बोला मैं आज के बाद अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म को समर्पित करता हूं और साथ ही आज से मेरा एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है कि मैं आज के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा करूंगा। आज के बाद बौद्ध धर्म से जितना ज्यादा हो सकता है जानकारी इकट्ठा करूंगा। जब वो जानकारी इकट्ठा करने लगा तो उसको पता चला कि गौतम बुद्ध तो भारत के थे और सबसे ज्यादा जानकारी कहीं से मिल सकता है तो वो भारत का। उसने फैसला किया कि मैं भारत जाऊंगा, वो भी पैदल। कैसे? उस जमाने में चीन से भारत की यात्रा पैदल हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति आज भी पैदल आ जाए, वो जमाना दूर का बात है। दूर दूर तक कई हजारों किलोमीटर सिर्फ रेगिस्तान है। अफगानिस्तान होते ऐसे खैबर दर्रा होते आना है, सुने हो ना? ऊपर ऐसे आना, ऐसा पहले वो ये वाला पास जो है ना, ये वाला नहीं था पहले, ऐसे घूम के पहले पहाड़ को काट के रास्ता नहीं बना था भारत चीन वाला, ऐसे अफगानिस्तान होते खैबर दर्रा होते आना हजारों किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ रेत, कहीं दूर दूर तक पानी नहीं। हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति पैदल आ जाए। जब वहां चीन में वो लोगों को बताया कि मैं जाने वाला हूं भारत, सब लोग हंसने लगे। कहा तू फालतू बात कर रहे हैं, भारत जाएगा? देखा रास्ता, मर जाएगा रे, मत जा बोले उसको। समझ आ रहा है? मर जाएगा मत जा, लेकिन नहीं माना वो। आ गया भारत, सोचो कैसे आया होगा वही जाने। समझ आ रहा है? आ गया भारत पैदल। पूछा जाता है किस रास्ते से आया और किस रास्ते से गया, स्थल मार्ग से आएगा और स्थल मार्ग से ही वापस, इसी को आंसर लगाना है। बाकी भारत देश में जितने भी लोग आएंगे सब जल मार्ग से आएंगे, वास्को डी गामा से लेकर के सारे लोग, लेकिन ये पैदल आ गया। आने के बाद भारत देश के लगभग 10 राजाओं का शासनकाल ये देखा है। 10 राजा इसके सामने मर गए लेकिन ये जिंदा रहा। पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ था। तो भारत देश में सबसे ज्यादा राजाओं का शासनकाल देखने वाला कौन है? पूछता है कौन? याद रखना, 10 राजा लोग मर गए इसे। 10 राजाओं का शासनकाल देखना। इसका एक ही काम घूमना है खाली, और घूम घूम के क्या करना है? अब अवदान शतक पढ़ा होगा, उदय अवदान शतक में लिखा है कि गौतम बुद्ध आए थे, कहां आए थे? सिरपुर आए थे। और पढ़ लिया, ये कौन पढ़ लिया? आ गया छत्तीसगढ़ 639 ईस्वी, याद रखना 639 AD।
कब? 39। छत्तीसगढ़ आ गया, सोचो छत्तीसगढ़ में दो जगह जाएगा, सिरपुर और मल्हार। सिरपुर और मल्हार कई बार हो गया एग्जाम में। वेनसांग छत्तीसगढ़ में कहां कहां गया? मल्हार कहां है सर? तो बिलासपुर में है, याद रहेगा। सिरपुर और मल्हार में भी बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां हैं कुछ, ठीक याद रहेगा। सिरपुर और मल्हार, सिरपुर और मल्हार कब आ गया? 639 AD। पूछा गया क्वेश्चन है, वेलसांग जब छत्तीसगढ़ आएगा तो भारत में किस राजा का शासन काल होगा? अभी तो मैं आपको बताया कि महाशिव गुप्त बाल अर्जुन का शासन काल धार्मिक सहिष्णुता का था, सभी धर्म को समान महत्व दे रहा था। वो राजा था, चाहता था तो वेनसांग को रोक सकता था कि बौद्ध धर्म बेटा तेरे लिए नहीं, मैं या सिर्फ और सिर्फ मानना है तो शिव को या तो विष्णु को, लेकिन उसने आने दिया। आज मोदी जी जहां जा रहे हैं तो कौन सा कांग्रेस का प्रचार हो रहा है कि बीजेपी का? बीजेपी का प्रचार हो रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? राहुल गांधी कहीं जा रहे हैं तो कांग्रेस का प्रचार हो रहा है ऑटोमेटिक। तो चूंकि ये वेनसांग किस लिए फेमस है भारत में? बौद्ध धर्म, इसलिए जहां जहां जा रहा है ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है। चाहता था तो वेनसांग, वही चाहता था तो महाशिव गुप्त बाल अर्जुन रोक सकता था, लेकिन रोका क्या? इसीलिए इसका काल धार्मिक सहिष्णुता का काल है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? कहां कहां जाएगा? पूरा छत्तीसगढ़ में एक एक जगह पहाक शिव बहुत दिन रहेगा, सिरपुर में मल्हार बहुत दिन रहेगा। और जब ये भारत का पूरा भ्रमण कर लेगा, श्रीलंका चल देगा, श्रीलंका वगैरह का दर्शन कर पूरा आके कहा पूरा जानकारी इकट्ठा करते रहता है। यहाँ चीन वाले सोचते इतना समझ नहीं, हम मर गया करके इसका पुतला बना हार उड़ चढ़ा दे रहते हैं, ये मर गया होगा रास्ते में करके। बहुत साल हो गए, 10 राजा का शासन काल, मतलब समझ रहे वहां के लोग ना, वेनसांग जी अमर रहे इस टाइप के, बढ़िया। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? लेकिन ये वापस जानकारी इकट्ठा करके चीन पहुंचेगा। जब चीन पहुंचता है तो लोग पागल हो जाते हैं, और चीन में एक एक व्यक्ति को बौद्ध धर्म के बारे में बताएगा, तब से चीन भी क्या मानता है? कहां से गया है वो? भारत से गया है। मार्शल आर्ट सुने हो नाम? कहां का देश? चीन चाइना का नहीं है, वही तो बेवकूफ लोग पैदा हुए सब। भारत देश का है वो, समझ आ रहा है कि नहीं? मार्शल आर्ट जो है, जो कुंफू उंफू सब है ना, ये भारत देश की देन है। अगर नहीं जान रहे हो तो नेट पे आज सर्च करना, और जा करके एक व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति के ऊपर मूवी बना है सूर्या, साउथ का हीरो है ना उसका, वो है बोधि धर्मन, उसको बोधि धर्मन को जाके सर्च करना। भारत देश का पहला वो व्यक्ति है जो मार्शल आर्ट, पूरे भारत में मार्शल आर्ट फैलाने वाला था, लेकिन किसी कारण से उसको दूर चाइना जाना पड़ा। चाइना गया, भारत का था, भारत के लोगों को पूरा सिखाया है, लेकिन किसी कारण से उसको चाइना जाके, जब चाइना में जा करके वो लोगों को सिखाया, और चाइना वाले उसको इतना ज्यादा अपनाए भारत वाले भूल गए, अभी भारत वाले सीख रहे हैं बेवकूफ लोग। समझ आ रहा है? विश्व में पहली बार मार्शल आर्ट करने वाला और पूरे विश्व को सिखाने वाला बोधि धर्मन है। कभी जाके आज नेट में जाके उसके बारे में पढ़िएगा, तब पता चल, उसके बारे में साउथ में मूवी बना, उसको देखिएगा एक बार, समझ आ रहा है कि नहीं? तब पता चलेगा, याद रहेगा। चला गया चीन और जा करके पुस्तक लिखेगा सी यू की, इसकी पुस्तक का क्या नाम? सी यू की। वेनसांग की रचना सी यू की में पूरा जहां जहां जो जो जानकारी इकट्ठा किया, पूरा एक एक चीज लिखा है। वो छत्तीसगढ़ भी आया था, छत्तीसगढ़ के बारे में भी लिखा है, लेकिन उस समय जब ये आया तो छत्तीसगढ़ का दूसरा नाम कोसल भी हुआ करता था। क्या नाम? कोसल। अब ये छत्तीसगढ़ को कोसल लिखना चाह रहा था, लेकिन बेचारा कहां कोसल लिख डालेगा, ये लिखा है कियासलो। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वेनसांग की रचना सियुकी में छत्तीसगढ़ का किस नाम से वर्णन है, तो कियासलो। आप चीनी बोल डालोगे क्या? तो कहां से हिंदी बोल डालेगा? बोलना चाह रहा था कोसल, लेके कियासलो बोला है, याद रहेगा।
वैन सांग और बौद्ध धर्म से संबंधित ये जानकारी याद रखना है। किसके शासन काल में आएगा, कब आएगा? 639 639 ईस्वी, इसी के समय के बीच का है क्या? सातवीं शताब्दी। क्यों आएगा, कहां कहां जाएगा, उसकी रचना का क्या नाम और छत्तीसगढ़ का किस नाम सुन ले, ये बताना है। बनेगा? चले आगे। उसके बाद आनंद प्रभु जो कि गौतम बुद्ध के प्री शिष्य, 650 AD, प्रभु आनंद, क्या नाम, गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ये भी छत्तीसगढ़ सिरपुर आएंगे, आनंद प्रभु कुटीर विहार का स्थापना करेंगे और ये भी बौद्ध धर्म को आगे, ये भी किसके शासन काल में आ रहा है? चाहता था तो मना कर सकता था, कर सकता था नहीं जी, समझ आ रहा है। इसी पांडु वंश का एक राजा जिसका नाम महाशिव तिवर देव, क्या नाम, उस महाशिव तिवर देव के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया जिसका नाम तिवर देव विहार, क्या नाम, याद रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा मंदिर है जिस पर पंचतंत्र की कहानियां लिखी हुई है, आंसर क्या लेना है? सुने हो पंचतंत्र की कहानी? अरे सुने हो, एक समय की बात है जब एक तालाब के किनारे एक खजूर का पेड़ हुआ कर, जामुन का पेड़ हुआ कर, नहीं सुने सुना देता हूं उसको भी, जामुन का पेड़ हुआ करता था और वो जो तालाब है उसमें मगरमच्छ रहता था, रोज मगरमच्छ आता और बंदर को जामुन खाते देखता। एक दिन उस बंदर का नजर पड़ गया किस पे, मगरमच्छ पे, वो जामुन खिलाया, मगरमच्छ खाया और रोज इस तरीके से मगरमच्छ किनारे पर आता और बंदर उसको जामुन खिलाता है और बहुत ही कम समय में उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। एक दिन मगरमच्छ उस जामुन को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देता है, पत्नी खा करके खुश हो जाती है, बोले ये जामुन जब इतना मीठा है तो इसको रोज खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा, मुझे जामुन नहीं उस बंदर का कलेजा चाहिए। चाहिए मतलब अब बेचारा क्या करता, मरता क्या नहीं करता, पत्नी बोली नित घर खाना नहीं मिलेगा, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब वापस गया, क्या किया जाए क्या किया जाए, बंदर को बोलता है कि बंदर भाई साहब आज का जो खाना है आपका वो मेरे घर में है, मेरी पत्नी ने आपको बुलाया और एक से एक पकवान बना है, आपको आना है और सिर्फ खाना है बढ़िया। बंदर झट से बोलता है कि मैं तो चला जाता लेकिन जाऊंगा कैसे, मेरे को तो तैरना नहीं आता। तो मगरमच्छ बोलता है आप मेरी पीठ में बैठ जाइए, मैं आपको लेके चलूंगा और आप भोजन करना, वापस पीठ में बैठा के छोड़ दूंगा, सोचने कोई बात ही नहीं है। बंदर बिना सोचे फट ले उसके पीठ में बैठ जाता है, चलो चलो चलो। जब आधे बीच में तालाब पर पहुंचता है गहराई में, मगरमच्छ गलती से चूंकि लगातार रोज दोनों बातचीत हो रहा है, बता डालता है कि बंदर भाई आपको खाने पे नहीं बुलाया गया है, मेरी पत्नी ने आपका कलेजा खाने के लिए आपको बुलाया। हड़बड़ा गया बंदर, क्या किया जाए क्या किया जाए, घबरा जाता है, तुरंत दिमाग लगाता है, बोले अरे यार मगरमच्छ भाई पहले बताना था आपको, पहले बताते तो मैं अपना कलेजा लेके आता, उसको तो मैं पेड़ में छोड़ डाला हूं, आप बता रहे तो मैं लेके आता, जा खिला देते और वापस आ जाते दोनों भाई। अरे यार ऐसा है क्या, चलो वापस चलो। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पाता है बंदर अपनी जान बचा के, तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, समय से पहले किसी व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और यही वाला कहानी, बंदर उसके पीठ में बैठा है, वही वाला फोटो इस पर छपा हुआ है, इस मंदिर पे जाके देख सकते हो, नेट पे सर्च करना मिल जाएगा, नहीं तो याद रहेगा। कौन सा ऐसा मंदिर है जिस पर पंचतंत्र की कहानियां लिखी हुई, तो तिवर देव मंदिर या तिवर देव विहार। कौन सा वंश, पांडु वंश। कौन सा राजा, बनेगा गंधेश्वर महादेव मंदिर। किसने बनाया इसका इतिहास में वर्णन नहीं है, परंतु जब यह मंदिर टूट फूट जाता है तो मराठा शासन याद रखना है। कौन सा वंश, मराठा वंश के राजा चिमणाजी भोसले, क्या नाम, ये चिमणाजी भोसले ही है
जो इस मंदिर को रिनोवेट कराते हैं या जीर्णोद्धार कराते हैं 18th सेंचुरी में, याद रखना है। कब? तो गंधेश्वर महादेव मंदिर का संबंध किससे है? मराठा शासक चिमणाजी भोसले को याद रखना है। बनेगा? बनेगा। बालेश्वर महादेव मंदिर आपको याद रखना है, सिरपुर में है। राम मंदिर सिरपुर में, और धसकुड़ वाटरफॉल याद रखना है। बनेगा? बनेगा। साथ ही ये पुरातात्विक महत्व का भी स्थल है बताना है, याद रहेगा। पुरातात्विक महत्व का स्थल इसलिए क्योंकि यहां से खुदाई से अनेक बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली है। जस्ट लक्ष्मण मंदिर के पीछे जगह है, वहां जाकर के देख सकते हो। वहां समझ आ रहा है ना, म्यूजियम है वहां। लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट जो दुनिया में कहीं नहीं मिला, कांसे देवी तारा की, कांसे की प्रतिमा। क्या नाम? देवी तारा। कैसे दिखती है सर? तो उसको नेट पे सर्च कर लेना है। देवी तारा की कांसे की प्रतिमा खुदाई से मिला है, कांसे की, जो विश्व में कहीं नहीं मिला है। तो इस तरीके से सिरपुर का इंपॉर्टेंस है। लिख लोगे मेंस में भी? सिरपुर के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए।